हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो रेड पैंथर्स। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो होने वाली है जो न्यू ग्लू वॉल आई है वन पंच मैन की, उसके ऊपर। सो गाइस, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे हम चलते हैं स्टोर के अंदर और वहाँ पे जाके जो हमारी वन पंच मैन की जो ग्लू वाला ही है उसको निकालते हैं गाइस यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे सीन कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे हमें बाय करने पड़ेंगे बॉक्सेस एंड उनमें से गाइस निकलेंगे स्टार्स या परमानेंट ग्लू वाल भी निकल सकती है या तो ये पर्पल क्रिस्टल निकल सकता है जिसके साथ हम कोई भी पुरानी ग्लू वाल भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बहुत ही कम निकलता है, सो इसलिए गाइस एक्सचेंज के ऑप्शन ही बचेगी हमारे पास। तो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो 51 हमारे पास स्टार्स होने चाहिए, फिर ही जाके ये वाली जो वन पंच मैन की जो ग्लू वाला है वो हमें मिल सकेगी। सो गाइज यहाँ पे 20 डायमंड का गाइज एक बॉक्स है। सोचा जाए तो गाइज देखते हैं कि यहाँ पे कितने में निकलता है हमारा। नहीं, 200 डायमंड में तो हमारा नहीं निकलेगा, सो इसको ओपन नहीं करेंगे अभी। अगेन गाइज यहाँ पे 200 डायमंड हम यहाँ पे लगाएंगे और अब जाके थोड़ा ओपन करके देखते हैं गाइज क्या सीन है। सो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं, हमने यहाँ पे पहले 10 ओपन किए एंड काफ़ी निकल आया गाइस, काफ़ी कुछ निकल आया गाइस यहाँ पे। अगेन गाइस यहाँ पे 10 करते हैं, होप सो गाइस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया और सब कुछ निकल आया हो गाइस। सो गाइस हम यहाँ पे एक्सचेंज में आए तो गाइस अभी भी हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमें 11 की जरूरत है गाइस यहाँ पे। सो गाइस फॉर एग्जांपल 400 डायमंड में हमारे 40 निकले हैं। सो गाइस यहाँ पे हम 5 बॉक्सेस और लेंगे, देखते हैं गाइस कि उसमें निकल आए। होप सो निकल आना चाहिए गाइस, अभी भी थोड़ा सा कम है। 3 बॉक्सेस और ले लेते हैं यहाँ पे। ओ भाई ज़्यादा हो गया। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो वन पंच मैन की जो ग्लू वाला हम उसको इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। सो गाइज इसको ओपी ग्लू वाल तो नहीं हुआ, इतनी मतलब मज़ेदार ग्लू वाल तो नहीं है, बट जिसको ये वाले जो कार्टून है ये पसंद है उसके लिए तो ये कलेक्शन अच्छी होगी गाइज। मेरे पास वन पंच मैन की हर चीज़ है तो कलेक्शन के तौर पे ये वाली चीज़ तो मैं अपने पास रखूँगा, यूज़ करूँगा गाइस कुछ देर इसको। तो गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों को डायमंड पता जो मेरे डायमंड कितने लग चुके हैं गाइस, तो गाइस यहाँ पे मेरे डायमंड लग चुके हैं 560 गाइस, 560 डायमंड गाइस यहाँ पे लग चुके हैं मेरे। सो नॉट बैड गाइस, इतने ज़्यादा लगे भी नहीं है। सो जो एक्सचेंज में है गाइस वो हम कर लेते हैं यहाँ पे, गाइस पेट फूड को करेंगे हम और एक फ्रेगमेंट, क्योंकि वेस्ट नहीं करेंगे हम, पैसे लगाए हैं भाई। सो गाइस एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी जो वेक्टर की जो गन थी, जो गन स्किन थी गाइस वो वापस आ चुकी है बस, बट वह इस बार गाइस आई है क्रेट के अंदर। ओपी यहाँ पे स्किन है, ये रेंज ज़्यादा होने की वजह से बेनिफिट है इसका, हेडशॉट दूर से भी लग जाता है। तो गाइस यहाँ पे इसका क्रेट इस बार इन्होंने दिया है 60 डायमंड का गाइस। और गाइस यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे गाइस ग्रीना जो है वो रूम कार्ड्स दे रही है। सो गाइस यहाँ पे आपको 45 डायमंड का एक यहाँ पे ये परचेज करना पड़ेगा बॉक्स, जिसमें से गाइस कुछ भी निकल सकता है, लाइक वेपन रॉयल का वाउचर भी निकल सकता है गाइस, डायमंड रॉयल का वाउचर भी निकल सकता है, इनक्यूबेटर वाउचर भी निकल सकता है। एंड गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे वो भी निकल सकता है रूम कार्ड, 5 में निकल सकते हैं, 10 भी निकल सकते हैं, 20 भी निकल सकते हैं। सो गाइस देखा जाए तो यहाँ पे नुकसान की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि
जो इनक्यूबेटर वगैरह के जो स्पिन है गाइस, वो मैं पहले आपको दिखाता चलूँ कि कितने का है। गाइस वो 40 का ही है, बट यहाँ पे 45 का अगर इनक्यूबेटर वगैरह का वो भी निकल आता है। तो फिर भी गाइस हम यहाँ पे एक तो बाय करेंगे, ट्राई करेंगे क्या सीन है गाइस, कैसा लक चल रहा है इस ये वाले इवेंट के अंदर। गाइस यहाँ पे हमने ओपन किया और यहाँ पे गाइस वाउचर ही दिए, हमें लगता है ज़्यादा वाउचर ही निकलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका 45 डायमंड में एक भी वो निकल आता है, कहते हैं रूम कार्ड, तो गाइस जहाँ पे वो 100 का है वहाँ पे आपको 45 का मुतफाक प्राइस में मिल रहा है। तो गाइस बहुत ही जल्द हमारी मिस्ट्री शॉप वापस आने वाली है, होप सो गाइस एक या दो दिन के अंदर गाइस वो वापस आ जाए। सो गाइस तैयार रहिएगा, टॉप अप रेडी कीजिएगा अपना, ताकि आप अपने मिस्ट्री शॉप के ऊपर लगा सकें गाइस। तो गाइस होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिएगा उसको। सो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।